वी आर गोइंग टू लर्न सिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग ऑपरेशन तो सिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग आपका जो है बॉटम ऑफ पार्सिंग के मेथड पे ही वर्क करता है सिफ्ट रिड्यूस टू एक्शन हमने लास्ट सेक्शन क्लास में देखे हैं तो so, अभी हमारे पास सिफ्ट रिड्यूस एक्सेप्ट और एरर ये जो है फोर ऑपरेशन सिर्फ रिड्यूज पार्सिंग में होते हैं तो so, सिर्फ क्या एक्शन होता है द नेक्स्ट इनपुट सिम्बल टॉप ऑफ द स्टेक दैट इज शिफ्ट और रिड्यूस क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में आपको मिले ग्रामर में उसको आप लेफ्ट से रिप्लेस कर दें सो दैट इज रिड्यूस एक्सेप्ट क्या होगा कि जब वो आपका लास्ट टॉप ऑफ द स्टेक जो है स्टार्ट सिंबल हो और वो सक्सेसफुल आपकी पूरा ट्री जनरेट हो जाए तो वो एक्सेप्ट होगा और एरर कब होगा एरर तब जनरेट होगा जब उसमें सिंटेक्स एरर फाइन हो जाए द पासकर डिस्कवर दैट एज सिंटेक्स एर है जिसमें हम हैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे ये आपका प्रोडक्शन रूल है और आपका जो सेंटेंस है आई डी वन आई डी टू मल्टीप्लाई बाई आई डी थ्री ये टर्मिनल्स है ये सारे टर्मिनल्स हैं इसको आप ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी भी लिख सकते हैं हा? फिर यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा फिर ई डिराइव ए ऑल्सो ई डिराइव बी ई आपका स्टार्ट सिंबल भी है ठीक है इस ग्रामर में ई e आपका स्टार्ट सिंबल है और टर्मिनल्स आपके क्या है आई डी मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस ऑपरेशन सो आई डी हमने थ्री आइडेंटिफायर्स लिए हैं तो आई डी वन आई डी टू आई डी थ्री तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन हमने यूज किया है अब इसमें स्कैन परफॉर्म करते हैं लेफ्ट टू राइट जब फर्स्ट आपको क्या मिला आई डी वन तो आई डी वन आपका जो है वो एक हैंडल है वो हैंडल है क्यों है क्योंकि ये आई डी वन इससे इस प्रोडक्शन इस रूल से रिप्लेस हो सकता है कि आई डी ई जो है रिप्लेस करेगा आई डी को जिसका मतलब नेक्स्ट टाइम ये क्या हो जाएगा ई प्लस आई डी टू मल्टीप्लीकेशन आई डी थ्री और ये जो आई डी वन आपने हैंडल आइडेंटिफाई किया तो इसमें आपने ये प्रोडक्शन रूल यूज किया है दैट इज रिड्यूस आपने रिड्यूस एक्शन परफॉर्म किया और ये प्रोडक्शन यूज करके अगेन फिर इसको हम यहां से स्कैनिंग करते हैं ई प्लस ई प्लस कहीं नहीं है ई प्लस आई डी टू में आपको ई प्लस आई डी टू नहीं है लेकिन आई डी टू यहां से कर सकते हैं तो दैट इज आई डी टू अगेन एक हैंडल है और इसको ई आई डी से रिड्यूस कर सकते हैं तो आफ्टर रिडक्शन आपका क्या हो जाएगा ई प्लस ई मल्टीप्लीकेशन आई डी थ्री अब इसमें आपने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया मल्टीप्लिकेशन का तो मल्टीप्लिकेशन कहीं ई e मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं है ठीक है राइट में और ये सारे कॉम्बिनेशन में भी नहीं है राइट right में तो फिर आई थ्री आप आइडेंटिफाई करोगे और ये ई e आई से रिप्लेस हो जाएगा आप यहां पे आप पहुंच गए फिर आप चेक करोगे कि ई e मल्टीप्लीकेशन कहीं राइट में है नहीं है ई मल्टीप्लीकेशन ई कहीं राइट में है तो यहां इससे रिप्लेस कर सकते हैं तो आपका जो हैंडल होगा ई मल्टीप्लीकेशन ई होगा और ये इसके लिए प्रोडक्शन रूल आपने यूज किया ई मल्टीप्लीकेशन ई तो अब उसके बाद आपका सेंटेंस बन जाएगा ई प्लस ई फिर e प्लस ई e भी आपने यहां आइडेंटिफाई किया एज ए हैंडल और इसको e डिराइव e प्लस ई e से रिप्लेस कर सकते हैं ये आपका राइट right में e फॉर्म मिल जाएगा ये आपका एक हैंडल प्रूनिंग कहलाता है हैंडल प्रूनिंग में क्या होता है सो हैंडल प्रूनिंग में क्या है राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स कैन बी ऑप्टेन बाई हैंडल ट्रूनिंग ठीक है दिस इज हैंडल प्रूनिंग अब सेम जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है स्ट्रिंग विथ ग्रामर तो इसको हम जो है स्टैक फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो स्टैक में क्या होगा जैसे पुल ऑन ऑटोमेटा में हमने पहले एक जेड टॉप ऑफ द सिंबल इंक्लूड किया था यहां हम डॉलर यूज कर लेते हैं इनपुट आपका क्या है यही आई डी वन प्लस आईडी टू मल्टीप्लीकेशन बाई आई डी थ्री ठीक है एक्शन जो आप परफॉर्म करेंगे तो पहला एक्शन क्या होगा जब इसके स्कैन करेंगे तो सिफ्ट का एक्शन होगा तो सिफ्ट में इसको आप इस चेक में इनपुट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आईडी वन ठीक है जब आपने इसको यहां से इनपुट करा दिया तो आपके पास क्या सिंबल बचा आई डी टू मल्टीप्लाई बाई आई डी थ्री ठीक है अब आई डी वन को आपने इस वाले ग्रामर से रिप्लेस किया तो इट्स मीन आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया रिड्यूस बाई डाइव आईडी जो हमने यहां परफॉर्म किया है अब आपने रिड्यूस कर दिया तो ये किससे रिप्लेस हो गया ई से अभी भी आपके पास ये इनपुट सिंबल है अब इसमें फिर शिफ्ट ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे प्लस का तो ये क्या हो जाएगा डॉलर ई प्लस और अब आप आपके पास सिंबल हो जाएगा आईडी टू मल्टीप्लाई बाई आई डी थ्री तो अब कोई आपके पास ग्रामर नहीं है जो इन दोनों को रिमूव कर सके तो अगेन आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है सिफ्ट आईडी टू अगेन इधर आ जाएगा ई प्लस आई डी टू ठीक है तो ई प्लस आई डी टू अब आपके पास क्या बचा मल्टीप्लीकेशन आई डी थ्री फिर ई प्लस आई डी टू में आईडी टू रिप्लेस हो सकता है ई डिराइव आईडी से आपके पास ऊपर एक ग्रामर था ना ई डिराइव आई डी तो अब आप रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो अब आप, आपके पास क्या बन जाएगा सिंबल ई प्लस ई और ये एज इट इज रहेगा ई प्लस ई अब अगेन जैसे आपने यहां परफॉर्म किया था अब ये आप इसमें यहां ले जाओगे तो ये शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा सो ये एबअप जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया था उसको ऐसे स्टैक में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें इस तरीके से शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन और रिड्यूस जैसे आपका यहां पे हुआ था वैसे ही रिड्यूस ऑपरेशन होगा लास्ट में एक्सेप्ट कैसे आया क्योंकि आपका ई स्टार्ट सिंबल था ठीक है और आपने कम सक्सेसफुली पास्ट ही जनरेट किया सो दैट्स वाई इट इज एक्सेप्टेड थैंक यू